डेड बॉडी है, अब जानवर की डेड बॉडी है या किसी आदमी की ये पता नहीं चल रहा है। वहाँ पे जाना मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे जानवर मरे पड़े हैं। चलो जी, अब हमने गंगा स्नान भी कर लिया है। ये सारे बच्चे हैं, सारे गंगा स्नान कर चुके हैं। ये पानी का मूवमेंट आप देख सकते हैं, ये पानी उल्टा बह रहा है यहाँ पे। हेलो, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप सामने देख रहे हैं, यह है गंगा नदी और इस जगह का नाम है ब्यास घाट। हमारे गांव में किसी की डेथ हो गई है तो हम आज यहां पे उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने आए हैं। सामने आप देख रहे हैं, ये पूरा ये गंगा नदी है। पानी बिल्कुल साफ है अभी गंगा का, और ये घाट है ब्यास घाट, और यहीं पे अंतिम संस्कार होता है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए कई सारी पहले चिताएं जली हुई हैं। हालांकि आजकल इसमें पानी कम है, जब बरसात का मौसम होता है तो इसमें पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा होता है और ऊपर तक जो है ये पानी का बहाव होता है, जो लेवल होता है पानी का वो ऊपर तक होता है। और यहाँ पे दो नदियों का संगम भी है, एक नयार नदी का और एक गंगा का। और गंगा नदी ऊपर से ये आप देख रहे हैं ऊपर से आ रही है, तो यहाँ से देवप्रयाग है, देवप्रयाग यहाँ से 15 किलोमीटर है और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। यहाँ पे भी कुछ दिन पहले किसी का अंतिम संस्कार हुआ है, ये चिता की जो है राख बता रही है। अब जली लकड़ियां हैं, वहां पर आप देख रहे हैं वहीं पे अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। आगे एक नयार नदी आ रही है जो कि वहाँ पे गंगा नदी में सम्मिलित हो रही है। अभी हम उसकी तरफ जा रहे हैं। यहाँ स्मेल आ रही बहुत ज़्यादा, ये स्मेल किस चीज़ की है समझ नहीं आ रहा, कोई जानवर मरा हुआ है या कोई लाश सड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ना कितना गंद है यहाँ पे। बरसात में शव आते हैं अंतिम संस्कार के लिए, यहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठी हो रखी हैं, यहाँ पे जानवर मरे पड़े हैं। हाँ, इसीलिए स्मेल आ रही है, ये जानवर मरे पड़े हैं और ये बह के आए होंगे ऊपर से। सामने एक डेड बॉडी है, अब जानवर की डेड बॉडी है या किसी आदमी की ये पता नहीं चल रहा है। वहाँ पे जाना मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे जानवर मरे पड़े हैं और उनसे बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है। ये देखो, ये दो जानवर आप देख रहे हैं, बहुत गंदी स्मेल आ रही है इन पे। लकड़ियाँ आप देख सकते हैं, ये सब जो शव जलाए जाते हैं उनकी लकड़ियाँ हैं। बरसात में ये जो नदी है, इस नदी का जो फ्लो होता है, जो बहाव होता है, वो यहाँ तक होता है। ये आप रेत के टीलों से अनुमान लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी नदी है जो कि सम्मिलित हो रही है गंगा में, और उसको नयार नदी बोलते हैं। रेत का टीला आप देखे, ऐसा लगा जैसे रेगिस्तान में आ गए हो हम। ये है नयार नदी जो कि ऊपर से आ रही है, और ये छोटे छोटे कई सारी नदियों का संगम इसमें होता है, फिर वहां से ये मर्ज होके पानी, और फिर ये एक नदी बनकर, इसको नयार नदी बोलते हैं जो सामने है, और उधर सामने वो गंगा नदी है।
यह संगम स्थल इन दोनों नदियों का। और ये एक तरह का भंवर है, वहां से ऊपर से जो पानी बह रहा है वो यहाँ पे फिर घूम के और ये बैक की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ देख रहे हैं आप पानी का मूवमेंट, पानी उधर की तरफ जा रहा है बैक जहां से नदी आ रही है। ये है गंगा नदी, ये मेरे गांव के आसपास ही है ये एरिया। हालांकि हम लोग टैक्सी बुक करके आए हैं, कम से कम 6-7 टैक्सी आई हैं। अंतिम संस्कार आगे हो रहा है। हालांकि वीडियो बनाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन यहाँ तक आए हैं तो एक छोटा सा मैंने सोचा कि गंगा माता का एक छोटा सा क्लिप बना देता हूँ, दो नदियों का जो संगम है इसका एक क्लिप बना देता हूँ। यहाँ पे गर्मी बहुत है क्योंकि एक घाटी है और घाटी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ये जो मैंने आपको बताया ना कि ये पानी भंवर टाइप का है और ये वापसी जा रहा है पीछे की तरफ, ये ऊपर से आ रही है नदी सामने से, और ये आप पानी देख सकते हैं कि ये पानी फिर वापस जा रहा है क्योंकि यहाँ पे वो पानी काफी ज्यादा फ्लो है, यहाँ पे वो फिर घूम रहा है वहां पे, और घूम के वो पानी फिर यहाँ ये देख सकते हैं आप, ये पानी वापस आ रहा है बैक साइड में, और ये फिर आगे जाके फिर ये देखो इसका कितना बहाव है वापसी की तरफ, यहाँ पे देख सकते हैं आप सामने ये पूरा वापसी जा रहा है पानी, और फिर ये पानी घूम के फिर जहाँ पे वो फ्लो है पानी का फिर वहां से इकट्ठे होके और नीचे बहते हुए एक बार फिर ये वापस हो रहा है यहाँ पे। ये अद्भुत नजारा है प्रकृति का, नदी का और पानी का। ये आप बीच में जो देख रहे हैं काला काला, ये हमें भी पता नहीं चल रहा है ये है क्या, ये जानवर की डेड बॉडी है या किसी इंसान की है, क्योंकि ये भी भंवर में अटका हुआ है। ये काफी नीचे से जो है मैंने आपको बताया भी पानी वापसी हो रहा है यहाँ पे, तो ये उसमें ही बस तैर रहा है, ना तो ये नीचे बहाव की तरफ जा रहा है और ना किसी और जगह, ये बस यहीं पे काफी देर से तैर रहा है फिर काफी देर से यहीं पे घूम रहा है। ब्यास घाट को ब्यास चट्टी के नाम से भी जाना जाता है और इस जगह का नाम महर्षि वेद व्यास के नाम से रखा गया है, क्योंकि कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने यहाँ पर कई वर्षों तक तपस्या की थी और श्री रामचंद्र जी अपने वनवास के दौरान इस स्थान पर महर्षि वेद व्यास से मिलने भी आए थे। इस जगह की एक और खासियत है कि यहाँ पर जो गंगा नदी आ रही है वो ऊपर से यहाँ से कुछ ही दूरी पर नीचे बहते हुए ओम का निशान बनाती है, शायद ये बात कम ही लोगों को पता है। और यहाँ पे कैंपिंग भी होती है, ये लोग आते हैं यहाँ पे और इन्जॉय करते हैं, यहाँ पे कैंपिंग की पूरी फैसिलिटी है। हाँ चलो जी, अब हमने गंगा स्नान भी कर लिया है, ये सारे बच्चे हैं सारे गंगा स्नान कर चुके हैं, और अब स्नान करने के बाद डुबकी लगाने के बाद हम वापसी चलेंगे घर की तरफ। ये सारे बच्चे देखो यहाँ सब नंगे पुंगे धड़ंगे बैठे हुए हैं यहाँ पे, मतलब तो खैर ना के आ गए हैं तो कपड़े पहन रहे हैं। अब उम्मीद है आपको ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आए।
मिलता हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।